कि क्यों डरे जिंदगी में कुछ ना होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में कुछ ना होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज गुरु नानक जी की जयंती है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और गुरु नानक जी का आशीर्वाद अब आपके ऊपर बना रहे। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन आगे अपनी स्टडी की तरफ। अपनी स्टडी चल रही थी लेथ मशीन की, तो अपन ने कल देखा था लेथ मैंड्रिल। ठीक है, लेथ मैंड्रिल अपने कल पूरा कर लिया था, ड्राइविंग प्लेट पूरी कर ली थी, फेस प्लेट पूरी कर ली थी। आज अपन चलते हैं लेथ क्रिया के ऊपर, जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है लेथ कार्य क्रिया। कुछ किताबों में लेथ सक्रिया मिलता है और कुछ किताबों में मिलता है लेथ कार्य क्रिया। लेथ कार्य क्रिया मतलब कोई ऑपरेशन, जैसे अपन लेथ के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे एक मैंने ऑपरेशन का नाम लिख रखा है फेसिंग। ये एक क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है, अब जैसे ऑपरेशन करते हैं, फेसिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, रिमिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, जो ये ऑपरेशन है इनको किन किन नामों से बोला जाता है और किन किन टूलों से किया जाता है वो अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि एक बार कम्युनिटी टैब है वो आपके लिए आ गया है, उसके ऊपर आपके लिए बहुत से क्वेश्चन है, वो डेली के डेली अपडेट होते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि कम्युनिटी टैब है वो चेक किया करें, अपनी जो थोड़ी सी एनर्जी है कम्युनिटी टैब में दिखाया करें, क्योंकि उसमें आपके कंपटीशन के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जो आपके डीआरडीओ एग्जाम में, एलपी के एग्जाम में, या इसरो के एग्जाम में, या अदर किसी एग्जाम में आपको काम आएंगे, जैसे कि आपकी रास्ता रोडवेज की वैकेंसी आ रही है उसमें काम आएंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन भी अपन धीरे धीरे फाइट करते रहेंगे, एक थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन है होता रहेगा, छोटी छोटी वीडियो बनती रहेगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम तो वैसे काफी हो गया पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो तो क्लास को एक बार शेयर कर दिए, जरा आगे चलते हैं किसकी तरफ, लेथ कार्य क्रिया। कार्य क्रिया यानी ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन जैसे कि अपन कोई जॉब को काटते हैं तो वो क्या हुई, कार्य क्रिया होगी, और उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हो गया ऑपरेशन। ठीक है, चलो अब देखो कार्य क्रिया। सबसे पहले कार्य क्रिया है फेसिंग, यानी फेसिंग क्या है, ऑपरेशन है। क्या है फेसिंग, एक ऑपरेशन है। अब इस ऑपरेशन को अपन कैसे करते हैं बताओ, बताओ कोई भी कमेंट करो, बताओ जल्दी से बताओ। मैं ये नहीं है कि सर को क्लास, सर है वो क्लास रिकॉर्डेड दे रहे हैं तो मैं वीडियो देखता नहीं। मैं वीडियो एक बार डाल देता हूं तो 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद वीडियो देखता हूं कि किस किस का कमेंट आता है, किस किस का नहीं आता है। ठीक है, चलो इससे बताओ आगे चलते हैं। चले, फेसिंग किसके किसके द्वारा की जाती है, लेथ टूल के द्वारा की जाती है। अब लेथ टूल को कहां लगाया जाता है, क्रॉस स्लाइड में। क्या, लेथ टूल को क्रॉस स्लाइड में फिट कर बेड के क्रॉस में यह क्रिया की जाती है। ठीक है, चलो इसमें क्या लिख सकते हैं, लेथ टूल को क्रॉस स्लाइड की सहायता से बेड के क्रॉस में फिट दी जाती है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, लेथ टूल को ठीक है, क्या लेथ टूल को क्रॉस स्लाइड में या क्रॉस स्लाइड की सहायता से बेड के क्रॉस में फीड दी जाती है। क्या कह रहा है, इस फेसिंग ऑपरेशन को कैसे किया जाता है, कि आपके पास क्या है, एक लेथ टूल है, लेथ टूल को आप क्या करते हो, क्रॉस स्लाइड में सेट करते हो, उसकी सहायता से बेड के क्रॉस में उसको क्या करते हो, फीड देते हो। वो फीड है आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों के द्वारा भी दे सकते हो और ऑटोमेटिक भी दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें लिख दो कि जो फीड है वो कार्य क्रिया की जो फीड है वो हैंड के द्वारा या ऑटो भी कर सकते हो। ठीक है, कार्य क्रिया कार्य को फीड ऑटोमेटिक या हैंड के द्वारा दे सकते हैं। आई बात समझ, फेसिंग ऑपरेशन है उसमें अगर आपको टूल को फीड देनी है तो आप अपने हाथ के द्वारा भी फीड दे सकते हो और उसमें ऑटोमेटिक फीड लगा के भी दे सकते हो। और ऑटोमेटिक फीड है वो किसके द्वारा दी जाती है, इसके लीवर व गियर के द्वारा, लीवर व गियर के द्वारा।
ठीक है। चलो तो ये हुआ आपका पहला ऑपरेशन फेसिंग। अब दूसरा ऑपरेशन है आपका पैरेलल या स्ट्रेट, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो। चले चलो इसे मिटा दो और भाई क्लास को है शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो ये हुआ आपका, अब देखो दूसरा नाम है पैरेलल या स्ट्रेट टर्निंग। पैरेलल या स्ट्रेट, पैरेलल या स्ट्रेट टर्निंग यानी समांतर या सीधी, क्या या तो समांतर या सीधी। पैरेलल यानी समांतर और स्ट्रेट का हिंदी में मीन करते हैं तो क्या बनता है आपका, सीधा। सीधा या समांतर, एक ही बात हुई। तो अब ये क्या कह रहे हैं, टर्निंग करनी है। तो अब टर्निंग किसकी करते हैं, अपन जॉब की करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, जॉब को टूल के साथ, कैरिज के साथ, क्या जॉब को टूल कैरिज के साथ फिट किया जाता है और लंबाई में चलाकर यह कार्य क्रिया है वो पूरी की जाती है, ठीक है। और आप बता सकते हो कमेंट में इसे कैसे पूरी की जा सकती है, बता सकते हो कि घूमते हुए, क्या लेथ पर घूमते हुए जॉब को या जॉब पर टूल को कैरिज के साथ बेड पर लंबाई में चलाकर किया जाता है। चले देखो, लेथ में घूमते हुए जॉब पर टूल कैरिज के साथ, क्या लेत में घूमते हुए जॉब पर टूल कैरिज के साथ लंबाई में चलाकर, क्या लंबाई में चलाकर जॉब के व्यास को बनाया जाता है। लंबाई में चलाकर जॉब के व्यास को बनाया जाता है। मतलब क्या कह रहा है, पैरेलल या स्ट्रेट टर्निंग में क्या होता है, लेथ के घूमते हुए, क्या लेथ में घूमते हुए जॉब पर टूल कैरिज के साथ लंबाई में चलाकर, क्या टूल कैरिज के साथ लंबाई पर चलाकर, ठीक है, टूल कैरिज के साथ बेड लंबाई में चलाकर, क्या बेड लंबाई में चलाकर, बेड लंबाई में चलाकर जॉब के व्यास को पूरा किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपका जो टूल है वो जॉब के क्या चलता है, समांतर चलता है। तो इसमें लिखो जॉब के अक्ष के समांतर क्या, जॉब के अक्ष के समांतर टूल चलता है। आई बात समझ में, जैसे कि आपका जॉब चलेगा ना उसके समांतर क्या चलेगा आपका जो टूल है वो चलेगा। चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका जॉब अक्ष के समांतर चलता है, जॉब है वो अक्ष के समांतर टूल चलता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पैरेलल या स्ट्रेट टर्निंग। ठीक है, या इसमें लिख सकते हो कार्य क्रिया जॉब के अक्ष के समांतर चलती, ऐसे लिख लो, टूल ना लिखो, ऐसे लिखो कार्य क्रिया जॉब के अक्ष के समांतर, जॉब के अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है। क्या कह रहा है, पैरेलल स्ट्रेट टर्निंग में लेथ में घूमते हुए जॉब पर टूल कैरिज के साथ बेड बेड लंबाई के लंबाई में चलाकर जॉब के व्यास को बनाया जाता है, ठीक है। और जो कार्य क्रिया है, जो कार्य क्रिया जॉब के अक्ष के समांतर चलती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, पैरेलल या स्ट्रेट टर्निंग है अपन कहते हैं, ठीक है। चलो
अब ये जो बातें हैं, मतलब एक तो आपका पैरेलल और एक ये स्ट्रेट, दोनों क्या हुई, एक में एक यानी सीधा, ठीक है। अब ये प्रक्रिया है, ये कार्य है, दो चरणों में पूरा होता है, ये कार्य दो चरणों में पूरा होता है। क्या ये कार्य दो चरणों में पूरा होता है। अब दो चरण कौन कौन से हैं? पहला रफ टूल के द्वारा जॉब पर रफिंग की जाती है, रफ टूल के द्वारा जॉब पर रफिंग की जाती है, ठीक है। और दूसरा, अब रफ टूल आ गया तो रफिंग करते हैं सबसे पहले, या दूसरा फिनिश टूल के साथ, फिनिश टूल के द्वारा जॉब पर फिनिशिंग की जाती है, की जाती, ठीक है। यही तो है, क्या कह रहा है, रफ टूल के द्वारा जॉब पर रफिंग की जाती है और फिनिशिंग के टूल के द्वारा, फिनिश टूल के द्वारा क्या की जाती है, फिनिशिंग की जाती है। यानी ये कार्य है दो चरणों में पूरा होता है, कौन कौन से, एक तो रफ टूल के द्वारा, एक आपका फिनिश टूल के द्वारा। चलो इसे लिखो, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें कहानी क्या बनती है, ये प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक स्पीड में, क्या अधिक से अधिक स्पीड या फीड में धातु, जॉब से अनावश्यक धातु है वो हटाई जाती है, ठीक है। चलो ये लाइन मैं आगे लिखाता हूं, इसमें लिखो, आ जाएगी, आ जाएगी। चलो मैं लिखा देता हूं यही, अधिक स्पीड व फीड में, अधिक स्पीड व फीड में जॉब से अनावश्यक धातु हटाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, अधिक स्पीड व फीड में जॉब से अनावश्यक धातु हटाते हैं, या कार्य क्रिया में धातु है हटाते हैं, ठीक है। चल तो ये हुआ आपका पैरेलल स्टेट टर्निंग, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप टर्निंग की तरफ। चले चल, अब ये मिटा दिया, अब दूसरा यानी तीसरा आ गया ना, तीसरा स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग क्या होती है बताओ, स्टेप टर्निंग कहां की जाती है और सबसे पहले कहां से शुरू की जाती है बताओ। इस कार्य क्रिया को जॉब के शोल्डर या स्टेप के साथ बनाया जाता है, तो इसमें लिखो, इसको क्या, इसको जॉब के शोल्डर ड्रिया स्टेप टर्निंग के साथ बनाया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसको जॉब के शोल्डर या स्टेप टर्निंग के साथ बनाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्टेप टर्निंग कहते हैं। और यह प्रक्रिया भी दो चरणों में पूरी होती है, क्या, दो चरणों में पूरी होती है। पहला चरण कौन सा है इसका, रफ टूल के द्वारा, ठीक है, और दूसरा चरण इसका कौन सा है, फिनिश टूल के द्वारा। आई बात सुनने, क्या कह रहा है, पहला चरण तो रफ टूल के द्वारा, दूसरा चरण फिनिश टूल के द्वारा, ये फिर है वो पूरी।
चलो अब ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन चौथी फॉर्म टर्निंग की तरफ। क्या फॉर्म टर्निंग? चले चलो अब स्टेप को हटा दो, ठीक है चलो, और बाकी ये अपना ये हटा दिया जाए, ठीक है, और नाम रख दो इस पे फॉर्म। अब इस प्रक्रिया को किस टूल से पूरा किया जाता है? फॉर्म टूल से पूरा किया जाता है। तो लिखो इसको फॉर्म टूल से, गलती हो गई ना, फॉर्म टूल से बनाया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है या किस चीज को बनाने के लिए किया जाता है? हैंडल, हैंड व्हील, जैसे आपका कोई हैंडल होता हैंड व्हील होता है ना, या गोल रिम होती है, गोलाकार रिम, गोल रिम, ठीक है, और डिजाइन के कार्यों को बनाने के लिए किया जाता है। डिजाइन के कार्यों को बनाने, ठीक है। क्या कह रहा है? फॉर्म टर्निंग क्या कह रहा है भैया जी? कि मेरा उपयोग है वो एक मेरे ही टूल से किया जाता है, पर मैं क्या कार्य करता हूं कि आपका जो हैंडल होता है या हैंडल व्हील होता है, कोई गोल रिम होती है या कोई डिजाइन का काम होता है, तो वो मैं पूरा करता हूं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले चलो, और एक बात और लिखो कि इस टूल को कार्य की आकृति के अनुसार ग्राइंड किया जाता है। इस टूल को कार्य की आकृति के अनुसार अनुसार ग्राइंड किया जाता है। आई बात समझे? क्या कह रहा है? इस टूल को कार्य की आकृति के अनुसार, जैसे कि कुमार क्या करता है, जिस प्रकार का आपको एक मर्द भांड बनाना है या कोई बर्तन बनाना है, उसी प्रकार मिट्टी को क्या करता है, उसी आकार में ढलाता है या ढालता है। तो उसी प्रकार ये क्या कह रहा है कि भैया जी कि मेरे को भी क्या है कि कार्य की आकृति के अनुसार ढलना पड़ता है या ढाल दिया जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। टेपर टर्निंग, क्या टेपर टर्निंग का? चलो कि आपने अब देखा फॉर्मिंग टूल, फॉर्मिंग टूल ने बताया कि मेरा ये काम है, मैं इसे ये काम करता हूं और ऐसे मेरे को बनाया जाता है, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट है टेपर टर्निंग टूल। चले अब टेपर टर्निंग टूल क्यों कि यूज किया जाता है? किसी जॉब को टेपर बनाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? कि किसी जॉब को टेपर बनाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। लेथ पर जॉब को टेपर बनाने के, ठीक है। चलो ये क्या कह रहा है कि भैया जी मेरा उपयोग तब किया जाता है जब किसी जॉब को टेपर बनाना हो या तिरछापन डालना हो, ठीक है। चलो अब मेरा उपयोग है वो किसके साथ किया जाता है बताओ, बताएगा कि मेरा उपयोग है वो किसके साथ किया जाता है? कि कह रहा है कि मेरा मेरी कई विधियां होती है, ठीक है, कई विधियां, कई विधियां यानी कार्य के अनुसार, जैसे हेडस्टॉक, एक सेकंड रुको मैं रिफिल कर लेता हूं।
चलो ठीक है, कि मेरा उपयोग है जैसे टेल स्ट्रोक, ठीक है, ये टेल स्ट्रोक है, हेड स्ट्रोक नहीं है। कि मेरा उपयोग जैसे टेल स्ट्रोक में किया जाता है, ठीक है, कंपाउंड रेस्ट में किया जाता है, कंपाउंड रेस्ट या टेपर अटैचमेंट में, या टेपर अटैचमेंट में, ठीक है। चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्टिंग टर्निंग की तरफ। किसकी तरफ? इंस्ट्रक्टिंग टर्निंग की तरफ। चले इंस्ट्रक्टर टर्न, इंस्ट्रक्टिंग टर्निंग क्या होती है बताएगा कोई? कि सर ये होती है इंस्ट्रक्टिंग टर्निंग। इसमें क्या होता है, जॉब को केंद्र से हटाकर, क्या जॉब को केंद्र से हटाकर इसमें क्या टर्निंग की जाती है, ठीक है। चलो केस में लिखो, जॉब को केंद्र से हटाकर, क्या कह रहा है, जॉब को केंद्र से हटाकर टर्निंग की जाती है। और जैसे अब कौन सी जॉब को केंद्र से हटाकर बनाया जाता है बताओगे कोई? कौन सी जॉब को केंद्र से हटाकर बनाया जाता है? आपकी जो क्रेक शाफ्ट होती है ना, क्रेक शाफ्ट, उसे बनाना, ठीक है। क्या, किसको जॉब से केंद्र से हटाकर बनाया जाता है? क्रेक शाफ्ट को। इसमें लिख सकते हैं लेथ के, क्या, लेथ से जॉब को केंद्र से हटाकर, ठीक है। चलो ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन अंडरकटिंग। चले चलो अब आता है अंडर कटिंग। अब देखो अंडर कटिंग क्या होता है, नाम से भी दिखा रहा है कि नहीं आ रहा, अंडर कटिंग, अंडर कट। अब बताओ इसमें क्या होता है, कि जॉब पर, या अपन मान सकते हैं कि किसी कार्य क्रिया में अपन कोई जॉब पर चोरी काट रहे हैं, काट रहे हैं, तो चूड़ी के अंत में, क्या, चूड़ी के अंत में एक स्टेप छोड़ते हैं, क्या, एक स्टेप छोड़ते हैं, गहरा गड्ढा छोड़ते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, अंडर कटिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कि चूड़ी के अंत में या स्टेप के फेस में के साथ एक लेथ के टूल से छोटा सा कट है, गड्ढा है, वो बनाया जाता है। इसमें लिखो कार्य क्रिया, क्या कह रहा है, कार्य क्रिया चूड़ी के अंत में, चूड़ी के अंत में, ठीक है। क्या कह रहा है, कार्य क्रिया चूड़ी के अंत में या स्टेप फेस के साथ है, बनाया जाता है, बनाया जाता है, जिससे लेथ टूल के द्वारा छोटा सा कटिया गड्ढा बनता है, ठीक है। अंडर कटिंग ना करके आप कर लो अंडर कट, क्या कर लो, अंडर कट, अंडर कटिंग ना करके कर लो आप अंडर कट। कार्य क्रिया, क्या, कार्य क्रिया चूड़ी के अंत में, जब आप कोई चूड़ी बनाते हो तो उसके अंत में स्टेप के साथ या किसी स्टेप के साथ बनाया जाता है, जिसे लेथ टूल के द्वारा, क्या, लेथ टूल के द्वारा, जो टूल उपयोग करते हैं उसके द्वारा एक छोटा सा कट या गड्ढा बनाया जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं
अब ये बनाने का कारण क्या है, ये जो आपका छोटा अंडर सा कट होता है वो बनाने का, आप देखो कोई स्क्रू देखते हो ना कभी, मेरे पास है नहीं, देखो स्क्रू देखते हो, स्क्रू देखते हो तो पूरी चूड़ी बनी हुई है ना। जस्ट आगे जाके क्या बनता है देखो कि एक मिनट, ये देखो यहां से ये चूड़ियां बनी हुई है, ठीक है। अब ये यहां पे क्या है, एक अंडरकट है, तो इसमें क्या है आसानी से नट बोल्ट है वो फंस जाता है, ठीक है। तो ये क्यों बनाया जाता है, इसको बनाने का कारण क्या होता है कि नट तथा फिटिंग पार्ट को फेस में आसानी से सेट हो सके। नट या फिटिंग पार्ट आसानी से सेट हो सके, ठीक है। ये बात है, क्या कह रहा है, अंडरकट क्या कह रहा है, कार्य क्रिया चूड़ी के अंत में या टेप फेस के साथ बनाया जाता है, जिसे लेथ टूल के द्वारा छोटा सा कट या गड्ढा बनाया जाता है, नट या फिटिंग, क्या नट या फिटिंग पार्ट में आसानी से सेट हो सके, इसीलिए वो बनाया जाता है। चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं, पार्टिंग ऑफ, एक पार्टिंग ऑफ ही क्या है, एक क्रिया है, एक ऑपरेशन है। चलो अब पार्टिंग ऑफ क्रिया क्या होती है बताएगा कोई, पार्टिंग ऑफ। अब पार्टिंग ऑफ क्या होता है कि किसी लंबी छड़ या किसी लंबे जॉब को दो अलग अलग भागों में बांटना या काटना, ठीक है। क्या लिख सकते हो पार्टिंग ऑफ में, पार्टिंग ऑफ क्या कह रहा है कि किसी लंबी छड़ या जॉब को, लिखो, क्या कहलाता है कि किसी लंबी छड़ या जोब को दो भागों में बांटना, वो किसके द्वारा किया जाता है, पार्टिंग टूल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पार्टिंग ऑफ क्या होता है, किसी लंबी छड़ या जोब को दो भागों में अलग अलग करना या बांटना, ठीक है, यही होता है बस। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, थ्रेडिंग, चले चलो, थ्रेडिंग, क्या थ्रेडिंग, थ्रेडिंग क्या होता है कि कार्य क्रिया में किसी जॉब के ऊपर क्या करना, चूड़ियां काटना या थ्रेडिंग बनाना। थ्रेडिंग क्या बोलते हैं, चूड़ियों को बोलते हैं थ्रेडिंग या चूड़ियां, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कार्य क्रिया में धातु की लंबी रोड को, सॉरी, ठीक है, कार्य क्रिया में थ्रेडिंग टूल को आसानी से जॉब पर थ्रेडिंग काटी जाती है, ठीक है। क्या इस ऑपरेशन में क्या होता है कि जॉब के ऊपर आसानी से चूड़ियां काटी जाती है, लिखो, इसमें जॉब पर आसानी से चूड़ियां काटी जाती है, और किसके द्वारा की जाती है, थ्रेडिंग टूल के द्वारा। अब थ्रेडिंग टूल कौन सा होता है जो आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि भैया जी ने बोल दिया था कि हमको लेथ पहले पढ़नी है, तो मैंने लेथ शुरू कर दी, है ना। चलो क्या इसमें जॉब पर आसानी से चूड़िया काटी जाती है और थ्रेडिंग टूल से इसे काटा जाता है, ठीक है। देखो चूड़िया काटने के लिए अलग अलग टूल आता है, ठीक है, जिसे टेप बोलते हैं, ठीक है। जैसे बाहर की चूड़िया काटने के लिए कौन सा टेप, क्या बाहर की चूड़िया के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डाई का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर क्या होती है, दांते होते हैं, बहुत ही बारीक दांते होते हैं, बहुत ही हार्ड दांते होते हैं, जिसमें किसी धातु रोड लंबी पर अपन क्या कर सकते हैं, चूड़िया काट सकते हैं, ठीक है। अगर किसी अंदर की तरफ, किसी होल की तरफ चूड़िया काटनी हो तो अपन किसका उपयोग करते हैं, टेप का उपयोग करते हैं, जिसकी लंबी दूरी पर क्या बने होते हैं, दांते बने होते हैं, हार्ड दांते बने होते हैं, ठीक है। तो वो अपन पढ़ेंगे, परंतु भैया जी ने बोल दिया कि लेथ मशीन पहले पढ़नी है, तो ये शुरू करते हैं, ठीक है। चलो क्या है थ्रेडिंग में, क्या है इसमें जॉब पर आसानी से चूड़िया काटी जाती है, थ्रेडिंग टूल के द्वारा चूड़िया काटी जाती है। चलो इसे लिखो, फिर आप आगे बढ़ते हैं, एक बात और लिखो,
कि अपन को जिस हिसाब से चूड़िया काटनी है और जिस कोण में चूड़िया काटनी है उसी प्रकार टूल को ग्राइंड किया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं क्या, जिस कोण या आकार में चूड़िया काटनी हो नहीं हो उसी आकार में क्या उसी आकार में टूल को ग्राइंड किया जाता है किया जाता है। आई बात समझो, यानी उसी आकार में टूल है वो बनाया जाता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं बोरिंग की तरफ। ये अपना था 9 नंबर, ये कौन सा था आपका 9 नंबर था, ठीक है आगे मिलेगा 10 नंबर बोरिंग के लिए। चलो चले चले बोरिंग। अब बोरिंग क्यों करते हैं बताएगा कोई कि सर अपन बोरिंग है इसलिए करते हैं, बताएगा। और बोरिंग किस टूल से करते हैं, बोरिंग टूल से करते हैं। और बोरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ड्री के द्वारा किया हुआ होल जब स्मूथ ना हो फिनिश ना हो तो स्मूथ करने के लिए अपन बोरिंग टूल का उपयोग करते हैं। अगर बोरिंग टूल उपलब्ध ना हो तो रिमर का उपयोग करते हैं, अगर रिमर उपलब्ध ना हो तो बोरिंग टूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो तो आपका 10 नंबर है बोरिंग। तो इसमें लिख सकते हो किए गए ड्रिल सुराख को किए गए ड्रिल सुराख को फिनिश करने के उपयुक्त में, ठीक है क्या, किए गए ड्रिल सुराख को फिनिश करने के उपयुक्त में बोरिंग का उपयोग है वो किया जाता है। और किससे किया जाता है बोरिंग टूल से किया जाता है, बोरिंग टूल से। कब किया जाता है, जब रिमर ना हो, ठीक है। ये कब लास्ट यार आपका कब यूज लेते हो आप, जब आपके पास रिमर ना हो या रिमर टूट चुका हो, ठीक है। चलो तो ये हुआ आपका बोरिंग। आगे बढ़ते हैं ड्रिलिंग, चले बोरिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर ड्रिलिंग। क्या देखिए 11 नंबर है आपका ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग कैसे करते हैं बताओ कि किसी जॉब को हेड स्टॉक में बांध कर, क्या किसी गोल जॉब को हेड स्टॉक में बांध कर और ड्रिल को किस में बांध कर, टेल स्टॉक में बांध कर धक्का दिया जाता है, क्या धक्का दिया जाता है और जॉब है वो घूमती रहती है, ड्रिल होल है वो निकलता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे बताएगा कोई, टेल स्टॉक में बांधा जाता है, क्या किया जाता है, ड्रिल को टेल स्टॉक में बांधा जाता है, जॉब को हेड स्टॉक में चक के अंदर बांधा जाता है, चक्के के अंदर बांधा जाता है। आई बात समझे, फिर क्या किया जाता है, ड्रिल को धक्का, टेल स्टॉक को धक्का दिया जाता है और चक है वो घूमता रहता है और वो ड्रिल है वो उसका भी होल है वो निकल जाता है, ठीक है। चलो इसमें लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपकी रिमर की तरफ। वही रिमर को टेल स्टॉक में बांधा जाता है और जॉब को हेड स्टॉक में बांधा जाता है और फिर फिनिशिंग की जाती है। देखो इसमें लिख दो, फिर होल बनाया जाता,
ठीक है। अब इसको यहां से मिटा दो, यहां पे लिखो 12 नंबर रिमल, क्या लिखो 12 नंबर रिमल। अब इसमें यहां से हटा दो, इसको लिखो रिमल, ठीक है। और अब इसको ये ठीक है, फिर यहां पे कर दो फिंस। देखो समझाता हूं, 12 नंबर अपना क्या था, रिमर। रिमर को टेल स्ट्रोक में बांधा जाता है, जो ओब को हेड स्ट्रोक के चक के अंदर बांधा जाता है, फिर क्या टेल स्ट्रोक को धक्का दिया जाता है और रिमर धीरे धीरे अंदर घुसता रहता है, और फिर क्या आपकी जोब का होल है वो क्या होता है, फिनिश हो जाता है। उसी प्रकार आपके आपका बोरिंग का उपयोग किया जाता है, बोरिंग टूल का, ठीक है। चलो ये हुआ आपका रिमर। फिर आती है बात टेपिंग की, बस टेपिंग का यही है, ये लो 13 नंबर टेपिंग। पर टेपिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, टेप को किसके लिए किया जाता है, चूड़ियां बनाने के लिए, किसके लिए किया जाता है, चूड़ी बनाई जाती है, चूड़ियां बनाई, चूड़ी बनाई जाती है। बनाई जाती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, टेपिंग। टेपिंग क्या है, एक है टूल है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है। टेप को टेल स्ट्रोक में बांधा जाता है, टेल स्ट्रोक में, और जॉब को हेड स्ट्रोक में बांधा जाता है, और जॉब है वो घूमता रहता है, और टेल स्ट्रोक है वो आगे अपन धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और आपका जो चूड़ी है वो बन जाता है। चलो ये हुआ आपका टेपिंग। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब बात आती है आपकी लास्ट एंड फाइनल नर्लिंग के लिए, किसके लिए, नर्लिंग के लिए, नर्लिंग 14। नर्लिंग अब किसी जॉब के ऊपर कटुआधार, क्या किसी जॉब के ऊपर कटुआधार या उभरते हुए क्या बनाए जाते हैं, निशान बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो जॉब के ऊपर, जॉब के ऊपर नर्लिंग टूल से कटवाधार, क्या जॉब के ऊपर नर्लिंग टूल से कटवाधार, क्या जॉब के ऊपर नर्लिंग टूल से कटवाधार सीधे उभार बनाए जाते हैं, उभार बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो किसके लिए बनाए जाते हैं, ग्रिपिंग के लिए बनाए जाते हैं, किसके लिए, ग्रिपिंग के लिए, ठीक है। और किससे बनाए जाते हैं, नर्लिंग टूल से बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, नर्लिंग टूल से बनाए जाते हैं, और जिसका उपयोग किसके साथ द्वारा करते हैं, अपन हाथ के द्वारा ये चलाए जाते हैं। आई बात समझ में, चलो तो ये हुए आपके लेथ के स्केरियट टूल, ठीक है। आज गाइस अपन इतना ही देखते हैं और एक एक टूल ही समझते हैं। मेरे को पता है कि ज्यादा जब लंबी वीडियो हो जाती है तब आप लोग क्या करते हो, देखते नहीं हो, ठीक है, उसको वही स्किप कर देते हो, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट भी करो, लाइक भी करो। अगर आपको ये लगता है कि छोटी वीडियो ऐसे काम नहीं चल रहा है तो बड़ी वीडियो बनाओ, तो मैं बड़ी वीडियो बना दो। आप देख लो पीछे जो प्लेलिस्ट है कहीं भी है अपने चैनल के अंदर, तो उसमें एक एक घंटे की भी वीडियो है। मैंने एक एक घंटे से कम क्यों कर दिया, क्योंकि बच्चे हैं वो पूरा नहीं देखते हैं और कम देखते हैं, तो मैंने सोचा आधा आधा घंटा या 40 मिनट की वीडियो बना लेते हैं, उसमें खुश है, ठीक है। तो आपकी ये थी आज लेथ लर्निंग। अगर आपको लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो तो मैं लंबी बना दूंगा, पर आपको देखनी पूरी पड़ेगी, ठीक है। ये फायदा नहीं कि मैं यहाँ पे बस बोलता रहूं आप स्किप करके चले जाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आप अपने घर वालों को ही धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। इससे बढ़िया तो यही है कि ढंग से तैयारी करो या कहीं अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।